तो देखिए भाई, मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर नंबर 3 है साइंस का, आज उसका हम लोग देखेंगे। जैसे कि मेटल में कुछ प्रकार का प्रॉपर्टीज होता है, जैसे लस्टर मतलब साइन करता है, हार्डनेस होता है, समझ गए ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, डक्टिलिटी होता है मतलब वायर के फॉर्म में उसको ढाल सकते हैं, और मेलाबिलिटी का मतलब होता है कि थीन पतला सीट के फॉर्म में उसको ढाल सकते हैं, और सोनोरिटी मतलब इस तरह का आवाज निकलता है एक प्रकार का, समझ गए ना, जब मेटल को गिराओगे तो एक साउंड निकलेगा, तो वो चीज है। ये सब मेटल में ये सब प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन नॉन मेटल में ये सब कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जनरली मेटल शो प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलाबिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, बट मेटल डज नॉट शो एनी प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक आध नंबर में डिफरेंस वफरेंस आ सकता है, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ पढ़िए एक्सेप्शन, मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होता है, जैसे सब मेटल तो हार्ड होता है लेकिन सोडियम और पोटेशियम काफी सॉफ्ट होता है। मेटल लाइक मरकरी आर लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी। नॉन मेटल लाइक आयोडीन आर लस्टर, लस्टर मतलब क्या है कि शाइनी कलर का होगा आयोडीन। नॉन मेटल लाइक कार्बन, डायमंड वेरी हार्ड होगा, तो ये सब एक्सेप्शन है, अधिकतर मेटल जो होता है वो हार्ड नहीं होता है, लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि काफी हार्ड होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है जो कि नॉन मेटल है, बाकी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। तो ये जो 5 गो पॉइंट दिया हुआ है ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन मेटल नॉन मेटल में सब पे ये चीज, खास करके ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है। मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, डायमंड नॉन मेटल है लेकिन हार्ड होता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। नेक्स्ट देखो, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है, समझ गए, डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ डिफरेंटली विथ मतलब ऑक्सीजन का तरह तरह का, कोई एक ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर सकता है, कोई दो, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में रिएक्शन करेगा, लेकिन सब मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। मेटल लाइक पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट विगोरसली विथ ऑक्सीजन, मतलब ये तुरंत ही रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देखिए सिल्वर और गोल्ड एकदम से रिएक्शन ही नहीं करेगा, मतलब जल्दी उसमें ऑक्साइड नहीं बनेगा सिल्वर गोल्ड का, लेकिन पोटेशियम और सोडियम का एकदम तुरंत ही रिएक्ट कर जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए जो मेटल का ऑक्साइड है उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, वो क्या होगा कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर का होगा, वाटर में घुलेगा नहीं, इनसोल्युबल इन वाटर होगा, सम मेटल ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, मतलब कुछ कुछ घुल सकता है, जैसे कि ये हो गया, ये मेटल का ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, वाटर में डाले ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि एक बेस है, अल्कली है, समझ गए ना। सम मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटोरिक इन नेचर दैट इज सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो कि बेसिक नेचर भी शो करता है और एसिडिक नेचर भी शो करता है, और जो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर जो चीज शो करता है उसको एम्फोटेरिक इन नेचर बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये भी हो गया एक, समझ गया ना, शॉर्ट नोट छोटा छोटा, तुम लोग को 1 घंटा टाइम देते हैं उसमें क्या करते हो बताओ जल्दी। देखिए एनोडाइजिंग क्या है, एनोडाइजिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग थिक ऑक्साइड कोटिंग ऑन द मेटल सच एज एल्यूमिनियम, दिज ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम इंप्रूव द रेसिस्टेंस टू कोरोजन,
मतलब क्या करते हैं ना, एनोडाइजिंग क्या है, एनोडाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मेटल ऑक्साइड का, जैसे कोई मेटल है ना उस पे उसका मेटल ऑक्साइड का कोटिंग कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू, उस पे हम लोग पेंट करना टाइप से कर देते हैं, और क्या एनोडाइजिंग कर देते हैं, उस पे चिपका देते हैं ताकि अंदर वाला जो मेटल है एल्युमिनियम का है वो बच जाए एनोडाइजिंग के कारण, समझ गए, और उसका क्रोजन वरोजन नहीं हो। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, मेटल जनरली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जनरली रिएक्ट विथ स्टीम वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल का ऑक्साइड, देखो जब पानी ठंडा होगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड मतलब ओएच वाला चीज बनेगा, और जब स्टीम रहेगा तो मेटल का ऑक्साइड मतलब जैसे कैसे है MgO है तो MgO बनेगा, इस तरह का चीज बनेगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रा ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड है तो होल्ट वाइज टू MgOH, होल्ट वाइज टू इस तरह का चीज बनेगा, और प्लस में ये गैस। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम वायलेंटली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मतलब कोल्ड वाटर में भी ये सब रिएक्ट कर जाएगा एकदम जल्दी। मेटल लाइक एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम। जो एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ये स्टीम वाटर से रिएक्शन करता है। मेटल लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, मतलब ये जो है ये वाला आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये तो ना तो आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा ना आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखो पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वो चीज आ गया, मेटल को डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा, समझ गए ना। मेटल जनरली रिएक्ट विथ एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो तुम लोग 1 घंटा का जो टाइम बचेगा ये सब का, सिर्फ तुम लोग अपना एस चैन या कोई भी किताब निकाल के सिर्फ इक्वेशन इस पे लिखोगे कि इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंटली विद डाइल्यूटेड एसिड, मेटल लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि सारा एसिड में हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, एक एक्सेप्शन भी है कि नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। उसी तरह से सिल्वर कॉपर और गोल्ड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, HCl से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये अपना अलग अलग प्रकार का चीज है। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज एक हम लोग पढ़े थे ना, उसी के कारण यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ए मोर रिएक्टिव मेटल एक्स डिस्प्लेस ए रेक्स रिएक्स फ्रॉम सॉल्ट, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव, जैसे ये मेटल है एक्स, वो इसका जो वाई वाला से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, उसका अपने तरफ खींच लेगा, सॉल्ट अब एक्स का बन जाएगा और वाई मेटल बाहर निकल जाएगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन को न्यूट्रल माना गया है, उसके ऊपर क्या दिया गया है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके बदलता जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद नीचे की तरफ ये सब काफी कम रिएक्टिव होता है, गोल्ड सिल्वर ये सब काफी कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि सोडियम मतलब वाटर के साथ रिएक्शन दिया गया है, यहाँ सबका मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाया,
मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके। देखो बताया था ना ऊपर वाला जो हम लोग पढ़े थे उसमें बताया था कि बेस भी बनाएगा और एसिड भी बनाएगा कभी कभी। उसी तरह से एसिड के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट बन रहा है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो ये ऊपर में जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे सबका एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक्चुअल में दिया गया है। इसका ये वाला सीरीज से अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जान जाइए कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना समझ जाओगे कि कौन किसको लेकर भागेगा। समझ गए ना? अब जिंक दिया हुआ है और फेरस का यहाँ पे सल्फेट दिया हुआ है, तो ये चीज सिंपल है ना जी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा और फेरस अकेला रह जाएगा। इस चीज से समझ रहे हो ना? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। और उसी तरह से अब मान लो कि जिंक रहता, जिंक सल्फेट रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, तब मैग्नीशियम लेके चला जाएगा। कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम लेके चला जाएगा। समझ रहे हो ना? उसी तरह से कॉपर सल्फेट रहेगा और Fe रहेगा, तो ये इससे लेके चला जाए। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ऊपर की ओर है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये वाला सीरीज का बहुत सारा यूज है। तुम समझ सकते हो, इसका कारण बता सकते हो। आगे बढ़े ना, तो लिखना है इसको, रिएक्शन को लिखना क्या है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे वो सब हो जाएगा। नॉन मेटल के बारे में देखिए दिया हुआ है। नॉन मेटल क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। समझ गए? नॉन मेटल का पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि देखिए कोलरीन था और सोडियम था। कोलरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका लेकर और किस में बदल जाएगा, NaCl में बदल जाएगा। NaCl में बदलेगा मतलब इसका भी एक पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और इसका भी पूरा हो गया, मतलब ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, Na प्लस था और Cl माइनस था एक्चुअल में, तब NaCl बना। मतलब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना दिया है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से कर्ज लिया है। अपोजिट चार्जेस आयन हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह का अगर कोई जुड़ा हुआ कंपाउंड रहेगा आयनिक चार्ज से प्लस और माइनस वाला, तो वो काफी मजबूत होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत जुड़ा होता है। जैसे NaCl बना उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनता है। तो ये आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा दे दिया, पता नहीं टॉपिक में है तुम लोग का कि नहीं है। अब देखिए जो आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बना था उसका आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे रहा है, तो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सोलोबल इन वाटर बट इन सोलोबल इन केरोसिन, मतलब केरोसिन और पेट्रोल में इन सोलोबल होता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन। समझ गए ना? जैसे NaCl है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करा सकता है, मोल्टेन स्टेट मतलब वाटर में मिला दीजिएगा या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आयनिक कंपाउंड हार्ड और ब्रिटल होगा, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, सोलोबल इन वाटर रहेगा एंड इन सोलोबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये केरोसिन और पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें इन सोलोबल होगा। चलिए ये मेटल निकालने का प्रक्रिया है। देखो इसको क्वेश्चन से ही हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, फिर कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड में उसको हम लोग बदलते हैं,
उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल करते हैं, और उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटीज है उसको गैग विधि से निकाला जाता है, फिर मेटल ऑक्साइड में उसको बदला जाता है, समझ गए? कार्बोनेट या सल्फाइड वाले मेटल को मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं। नीचे चल के उसके बारे में नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन से इसको देखेंगे, कैसे एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ये वाला पढ़ना तो है टॉपिक। देखिए यहाँ पे बढ़िया चीज दिया हुआ है। देखो जो मेटल हम लोग निकालते हैं ना धरती से, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से उसका रिफाइनिंग इन सब का किया जाता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का। रिडक्शन यूजिंग कार्बन किया जाता है, जिंक का, फेरस का, पीबी का और कॉपर का, और फाउंड इन नेटिव मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, उसमें ज्यादा इंप्यूरिटीज इंप्यूरिटीज नहीं मिला होता है। सिल्वर और गोल्ड हमको प्योर फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलता है, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी लो होता है। ये चारों का रिएक्टिविटी जिसका मीडियम होता है उसको कार्बन मतलब क्या होता है, कोयला मिला के उसका रिडक्शन करवाया जाता है। तो ये हम लोग प्रोसेस देखेंगे, लेकिन इसमें एल्युमिनियम वाला आता है, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से कैसे उसका प्यूरिफाई करते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे एक टेबल बना दिया है, टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, घबराना नहीं है, सब होगा। देखिए जो अर्थ क्रस्ट में ओर मिला उसको तीन प्रकार का कंसंट्रेशन ऑफ ओर होगा। पहला हाई रिएक्टिव वाले को इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से प्योर मेटल मिलेगा, जो मीडियम वाला है वो दो प्रकार का ओर मिलेगा, एक कार्बोनेट ओर मिलेगा, एक सल्फाइड ओर मिलेगा। कार्बोनेट मतलब CO3 लगा हुआ, सल्फाइड मतलब S लगा हुआ, समझ गए ना, जैसे HGS, समझ गए ना, कॉपर सल्फाइड, ऐसे करके सल्फाइड और कार्बोनेट समझ रहे होंगे। कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन प्रक्रिया करते हैं और सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं। तो कैल्सिनेशन के बाद ये मेटल के ऑक्साइड में बदल जाता है, रोस्टिंग के बाद भी ये मेटल के ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये जान लीजिएगा, रोस्टिंग का डेफिनेशन पूछेगा तो ये बताइएगा आप लोग, ये सल्फाइड ओर को मेटल के ऑक्साइड में बदलने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है, और कैल्सिनेशन क्या कहलाता है, कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया कैल्सिनेशन कहलाता है। यहाँ पर थ्योरी थ्योरी सिर्फ दिया हुआ है, और फिर मेटल ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन को निकालना है तो रिडक्शन टू मेटल हो गया, और उसके बाद प्योर मेटल आपका मिल जाएगा। उसी तरह से जो गोल्ड वाला है और सिल्वर वाला है वो सल्फाइड, और उसको क्या करते हैं हम लोग, रोस्टिंग करते हैं, मतलब कि मान लो कि लो रिएक्टिविटी वाला भी अगर सल्फाइड और उसमें मिला तो उसी प्रकार से रोस्टिंग होगा, फिर हम लोगों को मेटल मिल जाएगा, उसको रिफाइनिंग और करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने का दो चीज है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। इसका एग्जाम्पल हम समझाएंगे, क्वेश्चन आंसर आने दीजिए, या क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा खट सीना समझ में आ जाएगा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में बदलने का प्रक्रिया है, और रोस्टिंग क्या है, सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलने का प्रक्रिया है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे कैल्सिनेशन हो रहा है, यहाँ पे रोस्टिंग हो रहा है, बताया था ना कि कार्बोनेट को हीट कर रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड में मतलब ऑक्साइड में बदल गया, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। कार्बोनेट वाले में कैल्सिनेशन होता है और सल्फाइड वाले में क्या होता है, सल्फाइड वाले को अगर मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। तो वहां नहीं था तो यहाँ पे इसको तुम लोग लिख सकते हो, ये दोनों लिख ही लो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर्स इंटू डाइऑक्साइड बाई हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन द लिमिटेड एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन लिमिटेड एयर में हीट करने पे कैल्सिनेशन होता है, और एक्सेस एयर में हीट करने पे
रोस्टिंग होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कैल्सिनेशन के बारे में और रोस्टिंग के बारे में इतना लिखा जाए तो 2 मिनट में कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही। ऐसा नहीं, क्वेश्चन रात में बनाओगे 6 बजे से सारा टॉपिक क्लियर रहेगा। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग समझ गए ना क्या है? ये कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया है, जो कि एक स्टेप था मेटल का, ओर का, जो हम लोग ओर से मेटल प्राप्त कर रहे हैं उसमें एक स्टेप आता था, उसमें है। इसके पीछे वाले टेबल में हम दिखाए थे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। चलो ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, देखिए मेटल प्यूरिफिकेशन में जो हम लोग देख रहे थे सल्फाइड और कार्बोनेट ओर के बारे में, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो रहा था, तो उसमें
ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैग एंड द ओर। समझ गए ना? तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर पहला स्टेप है किसी भी मेटल के ओर से निकालने में। दूसरा स्टेप में हम लोग उसका कार्बोनेट वाला ओर है तो उसका हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे, और सल्फाइड वाला ओर है तो उसका हम लोग रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद जो मेटल का ऑक्साइड मिला, मेटल का जो ऑक्साइड मिला, उस ऑक्साइड को हम लोग फिर से क्या करेंगे? रिडक्शन टू मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे सल्फाइड को क्या किया, सल्फाइड HG सल्फाइड था तो उसको HG के ऑक्साइड में बदला, फिर HG का जो ऑक्साइड है उसको हीट कर रहा है तो यहाँ पे HG हम लोगों को मिल जा रहा है। HG मतलब पारा। समझ गए ना? तो ये तीसरा स्टेप था। अब देखिए यहाँ पे मेटल इन मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि रिडक्शन टू मेटल बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। एक मिनट रुक। हेलो। हेलो, परीक्षा हाँ का दिया गया नहीं, वाल से इधर बाहर 10 मिनट 10 मिनट क्लास ले रहे, 1:40 में आते हैं। देखो ये हो गया किसके लिए, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे में जो था, जैसे HG हो गया, AU हो गया, गोल्ड को बोलते हैं AG बोलते हैं, सिल्वर को बोलते हैं, उसके लिए हो गया ये प्रोसेस। और लेकिन जो बीच में था, जैसे कि ये जिंक का ऑक्साइड आएगा, जिंक का ऑक्साइड, अगर जिंक का सल्फाइड था तो उसको रोस्टिंग प्रक्रिया द्वारा जिंक ऑक्साइड में बदलोगे ना, तो जिंक का ऑक्साइड आएगा। इसमें थोड़ा सा कार्बन आपको मिलाना पड़ेगा, कार्बन मतलब पोल मिलाना होता है और तब हीट करना होता है, तब जिंक में बदल जाएगा। कार्बन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो निकल जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया है। उसी तरह से देखिए, जैसे हम लोग जिंक में कार्बन मिला है, उसी तरह से मैग्नीशियम के ऑक्साइड में एल्यूमिनियम मिलाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। जिंक ऑक्सीजन के साथ था ना, अब क्या हो जाएगा, जिंक अकेला रह जाएगा, इसका ऑक्सीजन लेके चला गया कौन, कार्बन। यहाँ पे भी वैसी हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम था, अब ऑक्सीजन कौन लेके चला जाएगा, एल्यूमिनियम लेके चला जाएगा। क्यों लेके चला जाएगा भाई? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर है। तो ये चैप्टर तो थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप। और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल है उसको कैसे हम लोग करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रक्रिया देखे थे ना, तो उस वो क्लोराइड के फॉर्म में अगर मिल रहा है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोरीन मिलता है, उसी तरह से देखिए अब क्या कर रहे हैं। जैसे सोडियम हम लोगों को प्राप्त करना है सोडियम क्लोराइड से, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैथोड और एनोड दो चीज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला मेथड में। तो कैथोड पे हम लोगों को सोडियम मिलेगा, एनोड पे हम लोगों को क्लोरीन मिलेगा। एल्यूमिनियम का भी इसी तरह हम लोग करेंगे। थर्माइट रिएक्शन किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड और मेटल के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसी को थर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ये हाईली एक्जोथर्मिक होगा, मतलब हीट निकलेगा इससे बहुत ज्यादा। यूज टू ज्वाइंट रेलवे ट्रैक्स और क्रैक मशीन पार्ट, मतलब मशीन पार्ट और रेलवे क्रैक को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज है थर्माइट रिएक्शन। ये क्या है,
मेटल और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन है ये। एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक कहने का मतलब इससे हीट काफी मात्रा में निकलने वाला है। कोरोजन और रस्टिंग तो जानते ही होंगे तुम लोग। कोरोजन किस में होता है? रस्टिंग आयरन में होता है, कोरोजन कॉपर में होता है, समझ गए ना। देखिए ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो कुछ भी आ सकता है। मेथड ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग से बचाने के लिए पेंट करिए, ग्रीजिंग कीजिए, क्रोम प्लेटिंग, एलॉयिंग, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, ऑलिविंग। एलॉय क्या होता है? एलॉय में क्या करते हैं कि थोड़ा सा नॉन मेटल मेटल में मिला देते हैं, या कोई दूसरा मेटल ही मिला देंगे तो वो एलॉय बन जाएगा। ये खत्म हो चुका है, इसका क्वेश्चन आंसर ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, थ्योरी इसका थोड़ा ज्यादा ही था। कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, इसको 1.5 घंटा एकदम आराम से पढ़ना है, समझ गए ना। देखिए जैसे टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे कि ये सब क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्या होता है? लिक्विड रूम टेम्परेचर पे मरकरी होता है। कैन इजिली बी कट बाई नाइफ, नाइफ से जिसको इजिली कट कर सकते हैं सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि वो क्या अभी पढ़े थे ना हम लोग थ्योरी में, कि वो हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? सिल्वर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? मरकरी एंड लेड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये चार क्वेश्चन ऐसे ही कर करके याद करना है, जो क्वेश्चन अभी हम भेजेंगे ये वाला जो छूट जाएगा उसको ऐसे ही याद करना है। मेलेबल और डक्टाइल क्या होता है? मेलेबल, मेलेबल का मतलब क्या होता है? उसको पतला सीट के फॉर्म में ढालना, समझ गए ना, पतला पतला सीट के फॉर्म में। डक्टाइल का मतलब होता है लॉन्ग वायर के फॉर्म में, थिन वायर के फॉर्म में खींचना। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा है? सिल्वर है, वैसे तो गोल्ड होना चाहिए लेकिन सिल्वर है। ये सब तो तुम लोग खुद से याद करना, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब। देखिए आयरन स्टीम से रिएक्शन करेगा, मतलब वाटर से रिएक्शन करेगा, तो क्या बना रहा है? आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन। कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर हाइड्रोजन गैस। तो ये क्वेश्चन क्या था कि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और कैल्शियम और पोटेशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या होगा। तो जैसे जैसे सब क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा चैप्टर दिमाग में छप जाएगा, और इससे ज्यादा आना नहीं है परसों। ये वाला पहले भी बताए हैं, इसको समझने का कोशिश करना। नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम 4 बजे रख देते हैं, कि 3 बजे रखें, 4 बजे रख देते हैं, 4 बजे क्लास लेंगे एक और, उसमें पूछ लेना। तो अब यहीं छोड़ रहे हैं, ये सब देखिए आप लोग, सब समझिए पहले, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और धीरे धीरे उसका आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। 2 घंटा का टाइम भी मिल गया, समझ गए ना, 2 घंटा का टाइम भी मिल गया है। तो एनसीईआरटी तो कम से कम पूरा कर ही सकते हो कंप्लीट, लेकिन एनसीईआरटी में भी उतना ज्यादा क्वेश्चन है नहीं।
कर रहे हो, सब पढ़े थे ना हम लोग एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस दोनों टाइप से बिहेव करता। ठीक है तो 3 बजे से कर देता है। कोचिंग जाना है क्या जी 4 बजे से? ये दोनों हम पीडीएफ भेज रहे हैं आप लोगों को, जो लगता है कि छूट गया हम तो मोटिवेट कर रहे हैं उसको। आराम से, कोई टेंशन मत लो, आराम से खाओ पियो और इसको पढ़ो। पीडीएफ तो अपने से पढ़ोगे तो 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, सारा पेज को पलट पलट के देखना है, क्योंकि साल भर में तो बहुत कुछ किए होगे, देखोगे समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर लग रहा है कि ज्यादा हार्ड है तो इसका एस चांद वाला किताब निकाल के उससे भी कर सकते हो। लेकिन अब उतना टाइम नहीं है, लेकिन तो ठीक है 3 बजे से ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास 3 बजे से रहेगा। तुम लोग जो अभी भेजे हैं उतना करो कम से कम, और 5 बजे के बाद अपना मन से केमिस्ट्री एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है।